Come in. मैं ना बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। क्यों? प्रॉब्लम है बस। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या हुआ? प्रॉब्लम है। इतने टाइम से इतने अच्छे से तुम काम कर रहे हो, सब तुम्हारे काम की तारीफ करते हैं, मैं भी पता है इस बात का। क्या दिक्कत क्या है तुम? प्रॉब्लम तो शेयर करो, क्या हुआ? सब ठीक है, सैलरी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहता। बताओ बाकी, सैलरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर दिक्कत कहाँ है? फैमिली प्रॉब्लम? नहीं नहीं, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि दिन भर मुझे फाइल लेकर जाना पड़ता है आपके पिताजी के कैबिन में। आप कभी गए? हाँ, तो आपको घर की आदत पड़ी होगी। क्या होगा? नहीं, वो फ्लेवर आप फ्लेवर से कर रहे हो। अब मैं बर्दाश्त से बाहर है ना, दिन भर मुझे फाइल लेकर जाना पड़ता है आपके पापा के कैबिन में, और वहां जाने के बाद जो अनजानी मसरत महसूस होती है ना, वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं? जिल्लत उठानी पड़ती है कोई तुम्हें? क्या हो, फाइल ले जाने में प्रॉब्लम? मैं तो नहीं, मुझे किसी और को भेज दूंगा फाइल के लिए। भाई फाइल वो दे आएगा, काम तुम कर देना। लेकिन ज्यादातर काम मेरा उनके साथ रहता ही रहता है। जाएंगे क्योंकि वो कोई नहीं करा सकता, मुझे सारे मटेरियल बताने पड़ते हैं, तब तो होता है, मुझे जाना ही पड़ेगा केबिन। तो क्या हो गया? मतलब बोल तो सही, क्या बोलना चाह रहा है तू? बात घुमा रहा है यार तू। आपके पिताजी नाश्ते में क्या करते हैं? कॉर्नफ्लेक्स, सिंपल खाना, कभी पराठे। नहीं तो आप लोग के घर पे जो कॉर्नफ्लेक्स होता है किस चीज का बनो? अजीब अजीब क्वेश्चन क्यों? नहीं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन आपके साथ मुझे बात करने में और बैठने में कोई दिक्कत नहीं। पिताजी आपके कौन से ऐसे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, या फिर जो भी मिल्क वगैरह जो भी खाते हैं, क्या खाते हैं? तुम बात बहुत ज्यादा घुमा रहे हो, मुझे सीधे सीधे बात नहीं, आपको तो आदत पड़ी है लेके ऑफिस तक आना पड़ेगा। वो आपके पास आए, आप उनके पास जाए, कोई फर्क नहीं। बता, चल छोटे भाई जैसा तो अपना बता। अच्छा, तो दिन भर जो प्रोडक्ट खाते रहते हैं वो क्या है, जो जेब से निकाल निकाल के खाते रहते हैं? नहीं, क्या खाते? तू उस प्रॉब्लम के लिए इतना परेशान? प्रॉब्लम अभी सुनिए, तो क्या खाते बताइए सर? चना भुरा। वो चना भुरा कहाँ से आता है? ये जो चना भुरा खाते हैं, हम भी खाते हैं, हमारी सब लोग खाते हैं, हमारी ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं सब लोग खाते हैं, बट ये कौन सा ऐसा चना खाते हैं? मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। समझ गए, मतलब आपको भी ये तकलीफ होती है? अभी नहीं होती, आदत पड़ चुकी है। आप झेल लोगे बट मैं नहीं झेल पाऊंगा। हद हो गई यार, घर से पूजा करके आते, पूजा पाठ करके मन शांत करके आते हैं, यहाँ सारे कुछ जब फाइल लेकर जाना पड़ता आपके पिताजी के पास, दिमाग खराब हो जाता है। क्यों टेंशन ले रहे थे? बट वो काम किसी और से नहीं हो सकता ना। मेरे को सिखा दे, मैं झेल लूंगा भाई। कितना पढ़े हो? थोड़ा बस ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता है, ये बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है? आप नहीं समझ पाओगे। तुम बिजनेस मैनेजमेंट हमें सिखा रहे हो, मतलब तुम थोड़ा ऊपर जा रहे हो। मुझे आपके पापा से एलर्जी, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना काम यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तुम्हारी छुट्टियां भी हम कम देनी पड़ती है इसलिए। लेकिन मैं वो ऐसे मत कर, नहीं मैं उस केबिन में नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं होता। कसम बता रहा हूँ कि मैं सुबह सुबह आता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है यार। वो जब जाऊँ उनके पास फाइल लेके, हाँ बेटा तुम कर, ऐसे उठेंगे, अब ऐसे उठने का क्या आनंद है? हाथ हो जाती है एकदम से, जब भी कोई जाओ तो सिग्नेचर, अच्छा वो ठीक है, तुरंत करके भेज दे तो भी ठीक,
जाओ उनको प्रोडक्ट बताते रहो तब तक वो ऐसे ऐसे करते रहे। अगर वो बिठाई रन करके भेज देते तुम्हें चला जाता। समझ रहा हूँ सर। काम करो, देखो मैं अपने कैबिन में नहीं बुलाऊंगा, मुझे मालूम है वहां पे थोड़ी बदबू ज्यादा होती है, तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। आप वहां आएंगे चाहे यहाँ आएंगे, दिक्कत वही है, फिर सिग्नेचर करने का तरीका आपका यही होगा। ये आप लोग को हंसी आती, मेरी जिंदगी खराब हो गई यहाँ पर आने के बाद। शुरू के चलो एक दो महीने मुझे जरूरत थी तो मैंने चला लिया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे बेटा सुनो, बर्दाश्त क्या होता है क्या नहीं, सुबह खाना जाते हो। अरे पैसे के लिए कोई क्या ये बर्दाश्त करे, आप दिन भर छोड़ते रहे हम सुनते रहे। अरे एक दो मिनट का तो काम होता नहीं, हर बार ऑफिस में फाइल लेकर जाना ही है, ये बड़ी बड़ी गंभीर समस्या आप दोनों लोग समझ। अच्छा एक काम है, आप इनके पास फाइल दे दिया करो, ये अपनी खिड़की खोल के फाइल को ऐसे धकेल देंगे तो मैं अपने आप पढ़ लिया। मैं रहने नहीं चल, मैं पूरी ऑफिस में आपका फ्लेवर फोन पहला बार मैं नहीं रहना, मैं एकदम दम घुटता है मेरा यहाँ। बेटा एक बात प्रमोद, अब तक तो यार हम चुकी होनी चाहिए, अब तो तुम्हें फाइल आनी नहीं चाहिए, अब तो तुम उसके आदी हो जाना चाहिए। वो आप लोग फैमिली मेंबर हो, आपको बर्दाश्त होता है, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। मैं जब तक मुझे जरूरत थी कि हाँ मुझे, मेरी हालत खराब थी, लेकिन अब मैं ठीक ठाक हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बात बताओ, जिस चीज की तुमको आदत पड़ चुकी है अब तक हमारे उस कमरे की, अब बाहर जाके तुम किसी और अच्छे जगह पे रहोगे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, तुम्हें उस आदत के बगैर जी पाओगे? जी लूंगा। नहीं भैया ऐसा मत करो, मतलब आप चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी आपका ये सब कुछ झेलते हुए मैं पूरी जिंदगी काटूं, मैं खुद भी ऐसा हो जाए। नहीं आप लोगों के लिए मजाक है बट मेरे लिए मजाक नहीं है। चना भटूरा खाओ बेटा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। आप लोगों के ये सब ड्रामा है बट आप लोग के अंदर तो लगता है कि पूरी फैमिली ऐसे करती है। अरे दुनिया की प्यास लगी हुई है भैया, मैं ये कोई नई चीज तो नहीं है। अच्छा ये क्या है, आज की फाइल है तो आओ। अच्छा मैं नहीं दिखा तो सही नहीं मुझे वो भी आ रहा है, उसका भी काम का हर्जा होगा, चला ना अंदर मैं लगा। मैं नहीं जा पाऊंगा, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। ये पकड़िए आप ये अपनी फाइल, मैं नौकरी छोड़ जा रहा हूं। तुझे पता है करोड़ों का नुकसान नहीं, करोड़ों का नुकसान हो तो आप किसी और को रख लो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोग समझते क्यों नहीं? आज की बात बाद में। अरे अब तो मैं रोक के बैठा हुआ हूं यार, अब तो मैं नहीं छोड़ रहा हूं यार, ये पहले का छोड़ा उसकी बात ऐसा क्या इतना क्या हो गया यार, चारों तरफ नाले बह रहे हैं, इतनी गंदगी, इतनी आवाज आती है उनकी, इतनी सुगंध दुर्गंध सब कुछ आता है,
ये केवल मेरी दुर्गंध तुमको न सुनाई पड़ती सुनाई पड़ती है। मैं अगर यहाँ एक दिन का मर जाऊंगा बता देना। ऐसे मर जाओगे यार, हम तो तेरे को ऑक्सीजन लगा देंगे तुम्हें। एक मिनट देर इतना बता दे रहे हैं, नितिन सर आप संभालो पिताजी को। थोड़ा आप कंट्रोल। अच्छा मैं अपना टाइट करके बैठा हुआ और निकले नहीं अभी हर गया।